सालाना जलसा आयोजन से बच्चों को मिलती है इस्लामी तालीम की दिशा। बच्चे अपने संस्कृति संस्कार से परिचित होते हैं। इस तरह के विचार मोहम्मदी मस्जिद मदरसा के अध्यक्ष मोहसिन मारकानी ने व्यक्त किए। वो बतौर जलसा आयोजन के प्रोग्राम की प्रस्तावना रखते हुए उन्होंने इस तरह के विचार व्यक्त किए। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि मदरसे में इस्लामी तालीम देने वाले गुरु का महत्व बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उस महत्व को मदरसे में तालीम देने वाले बच्चों के माता पिता को समझने की जरूरत है। बच्चों ने साल भर मदरसे से क्या और कैसी तालीम हासिल की है, उसका उदाहरण सालाना जलसों में हम और आप देख रहे हैं। धारणी शहर के मोहम्मदी मस्जिद मदरसा परिसर में आयोजित सालाना जलसा का प्रोग्राम तकरीर से शुरू हुआ और इसी वातावरण में संपन्न हुआ। इस दौरान मेहमान खसूसी और समाज जन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सालाना जलसा में मदरसा के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर सहभाग लिया। इस्लामी तालीम की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति बच्चों ने दी। प्रोग्राम में प्रस्तुति देने वाले बच्चों को इनामात और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। उनका हौसला अफजाई मेहमानों की ओर से किए गई। प्रोग्राम में समाज के गणमान्य प्रतिष्ठित नागरिकों ने अपनी विशेष उपस्थिति दर्शाई। सालाना जलसा की सफलता के लिए मोहम्मदी मस्जिद मदरसा के पदाधिकारियों ने सफल प्रयास चलाए। यह विशेष शकील अहमद, सुलेमान मेमन, तस्मीन शेख के साथ जुगल किशोर जायसवाल, विदर्भ न्यूज़, धारणी।